गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर सेक्शन 74 ऑफ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प द प्रेसिडेंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्री परिषद, जिसे इंग्लिश में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 74 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उस कार्य को करने के लिए कुछ हेल्पर होंगे या सजेशन देने के लिए एक ग्रुप होगा, और उस ग्रुप को नाम क्या दिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम दिया जाएगा। उसका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। वैसे तो थ्योरेटिकली हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्चुअल हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं मन से नहीं कह रही हूँ। इन थ्योरेटिकल फॉर्म द एंटायर पावर ऑफ लेजिस्लेटिव इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एज पर बीइंग प्रोवाइडेड, बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म of government adopted by constitution the president is merely a constitutional head and in actual form the entire power of administration of the parliament vested in the hands of council of ministers in name of the president all the administrative power are used by council of ministers। ab hum dekhte hain ki राष्ट्रपति की हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, और उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि हेड कौन होगा कंट्री का, प्रेसिडेंट होगा। लेकिन आपको मालूम है प्रेसिडेंट हेड नहीं होता है, हेड कौन होता है, एक्चुअल में हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए क्या होगा कि जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो किस में होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फॉर्मेशन में क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 75 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, फिर सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, और सेकंड काम क्या होगा, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज कहते हैं डिपार्टमेंट को, कि किस मिनिस्टर को कौन सा काम दिया जाएगा। ठीक है, मंत्रियों के कार्यों का विभाजन होता है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो जब बन जाती है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि उनके बीच में पोर्टफोलियोज डिवीज़न करता है, यानी उनके कार्यों का विभाजन करता है। और अगर कानूनी दृष्टि से हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये फुल पावर होती है कि वो लोगों के पोर्टफोलियो, यानी लोगों के नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पोर्टफोलियोज को डिवाइड करता है, और डिवाइड करते समय वो बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखता है। ठीक है, फिर फोर्थ है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मिनिस्टर, कि मंत्रियों की आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनेगा उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पार्लियामेंट के किसी न किसी हाउस का मेंबर हो, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मंत्री बनते समय पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सदस्य बनना जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसे अपना पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पढ़ के देख लो ना, यही लिखा हुआ है इसमें।
फिर है ओथ टेकिंग बाय मिनिस्टर, शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा होगा, ओथ कहते हैं शपथ को, कि मंत्रियों द्वारा क्या किया जाता है, शपथ ग्रहण किया जाता है। देखो बच्चों, पोस्ट मिलने के बाद बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस यानी पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने मंत्रियों सहित राष्ट्रपति के सामने अपनी पोस्ट की सीक्रेसी यानी गोपनीय बनाए, यानी उसको सीक्रेट बनाए रखेगा, ऐसी शपथ या ओथ टेक करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होगा। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, कितने समय तक के लिए बनाई जाती है। तो अब आपको मालूम है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक पब्लिक में उसको विश्वास प्राप्त है तब तक तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक का विश्वास नहीं होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन अगर जनरली हम देखें तो 5 साल के लिए इनका टाइम पीरियड बनाया हुआ है। ठीक है, फिर सेवेंथ पॉइंट आपके दे रखा है इनके अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी एंड अदर फिक्स्ड अलाउंसेस टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। These are determined by the parliament from time to time. Apart from this, these members are entitled to free housing, vehicle and various other facilities. देखो बच्चों, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या और जो नाम दिए हुए हैं इनको आप अंडरलाइन कर लेना, ये प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, इन सभी को कितना वेतन दिया जाएगा, सैलरी मतलब, और क्या क्या अलाउंसेज यानी भत्ते दिए जाएंगे। अलाउंस कहते हैं जैसे किसी पोस्ट पे रहते हुए आपको घर फ्री में मिल रहा है, गाड़ी फ्री में मिल रही है, गार्डनर फ्री में मिल रहा है, वॉशरमैन फ्री में मिल रहा है, तो वो सब के लिए आपको पेमेंट नहीं करना होता है, उसको अलाउंसेज कहते हैं। ठीक है, भत्ते कहते हैं उसको। तो ये कौन डिसाइड कर लेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि टाइम टू टाइम यानी किस किस समय पर क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, इसमें फैसिलिटीज में दे रखा है ना, हाउस, व्हीकल और वेरियस अदर फैसिलिटीज, ये अलाउंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो एट्थ पॉइंट है इस पर आप स्टार लगाना नोट्स बनाते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, लेकिन उसको समझने का आपको पहली बार फर्स्ट टाइम मौका पड़ रहा है। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, इसको अंडरलाइन करें आप। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, तो आंसर इसका देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। देखो बच्चों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एक ही बात है, सेकेंड होता है स्टेट मिनिस्टर और थर्ड होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। इसे हिंदी में हम कहते हैं मंत्री परिषद को, हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और कैबिनेट कहते हैं मंत्रिमंडल को, एक ही बात है ये। फिर जो स्टेट मिनिस्टर होता है उसे हिंदी में राज्य मंत्री कहते हैं, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है उसे हम उप मंत्री कहते हैं। तीन कैटेगरीज होती हैं जिसमें से हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की मानी गई है। ठीक है, सुप्रीम यूनिट होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन की, पार्लियामेंट की, कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर के पास होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंड होते हैं स्टेट मिनिस्टर, इनकी स्थिति जो होती है वो डेप्यूटी मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की होती है, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर की बात किसको बताते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात डेप्यूटी मिनिस्टर को, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। फिर अगर कभी किसी स्पेशल मैटर पे या इशू पे ज़रूरत पड़ जाती है असिस्ट
इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी कैटेगरी होती है डेप्यूटी मिनिस्टर की, जो स्टेट मिनिस्टर को अगर किसी स्पेशल इशू पर सजेशन की ज़रूरत होती है या सहायता की ज़रूरत होती है तो ये उनके साथ काम करने में सीनियर मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। ये तो थी हमारी फॉर्मेशन कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके पावर्स कि इनके पावर क्या क्या है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कैबिनेट असेस्ड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्किंग, बट दिस इज ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड इन प्रैक्टिस। कैबिनेट इज द सुप्रीम यूनिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम एंड इट रन्स द एंटायर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। देखो बच्चों, मंत्रिमंडल जो होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, सेक्शन 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है उसको सजेशन देने का और उसको हेल्प करने का काम कौन करती है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही जो होती है वो हेड होती है, और इसीलिए आप इस लाइन को अंडरलाइन करें कि इसको हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। किसको? कैबिनेट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, नेता को चुनकर भेजती है, उसके साथ साथ उसके मेंबर को चुन के भेजती है। तो जिसमें एबिलिटी होती है या जिसे हम पसंद करते हैं उसे ही भेजते हैं। तो हमें ये उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आदमी हमारे फील्ड में अच्छा वर्क करेगा, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसके बिना हमारी सरकार नहीं चल सकती। अब इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कैबिनेट आर कॉल्ड हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसमें आप ये सारी चीज़ें बताएंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो इनके पास होते हैं, फिर यही सारे मुद्दों पर फैसला लेते हैं एक्चुअल में, और इनका जो सुप्रीम लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, वही एक्चुअल हेड होता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब है सबसे पहली पावर क्या होती है कैबिनेट की? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं या फिर फॉरेन डिपार्टमेंट होते हैं, इन सब से रिलेटेड जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा बनाई जाती है। फिर सेकंड पॉइंट आपके दे रखा है कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉ। अब आपको मालूम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो सिर्फ यही डिसाइड नहीं करता है कि कैसे कानून बनेगा या कैसे फॉर्मेशन होगा, बल्कि उसका काम ये भी होता है कि जो लॉ बनाया जा रहा है उस लॉ के अंदर कौन से कानून को लागू करना है, कौन से को नहीं करना है, कौन सा लॉ सही है, कौन सा गलत है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने का काम किसका होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। और इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं, एक आपकी बुक में आपके आपकी बुक में वो दे रखा है कि कैसे ये कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो इसको आप देखेंगे कि कैसे ये इनके मेंबर जो होते हैं वो आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन द प्रोग्राम टू फॉर्म लॉ इन ऑल्सो ड्राफ्टेड बाय कैबिनेट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन इन द हाउस। जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर होते हैं उस पर लॉ बनाने का काम किसका होता है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव। इन प्रिंसिपल फॉर्म एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, बट इन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर इज यूज्ड बाय कैबिनेट।
इसमें भी वही बात है कि हमारे संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और सारी पावर जो होगी एग्जीक्यूटिव पावर वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। पर एक्चुअल में देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो ही एक्चुअल हेड होते हैं, क्योंकि इनका जो सुप्रीम लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ही एक्चुअल हेड माना गया है। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स पे कंट्रोल और वर्किंग ये सब किसका होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं फाइनेंशियल पावर। द कैबिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री की आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही बनाई जाती है। बजट को प्रेजेंट करने का काम भी जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। बजट प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट के अंदर क्या होता है, इनकम का मतलब होता है आय और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। किसी भी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है और उसका टोटल खर्चा कितना है, इसकी नॉलेज जो हमें प्रोवाइड कराता है वो फाइनेंस मिनिस्टर कहलाता है, और ये जो नॉलेज होती है ये बजट कहलाती है। ठीक है, तो इसको लोकसभा के अंदर प्रेजेंट करने का काम किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में से फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। और मनी बिल जो होता है ना बच्चों, रुपए पैसे से संबंधित, वो बिल हमेशा हमेशा आप अपने दिमाग में सेट कर लें और इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें कि लोकसभा में ही फर्स्टली प्रेजेंट किया जाता है। समझ आया, बाकी बिल जो प्रपोजल होते हैं वो राज्यसभा में भी किए जा सकते हैं पहले, लेकिन मनी बिल जो होगा वो फर्स्टली लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास फाइनेंशियल पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर है कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स। जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, विदेशी मामले, वो सब कौन हैंडल करता है, कैबिनेट हैंडल करती है। जैसे वॉर एंड पीस, इन सब के बारे में डिसाइड करने का, या टू या मोर कंट्री के रिलेशनशिप को हैंडल करने का काम किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा पावर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। देखो बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। और इनके ऊपर कंट्रोल भी जो होता है वो किसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही होता है। अब हमने इस चैप्टर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बारे में पढ़ लिया है। स्टार्टिंग में हमने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, उनके फंक्शन पढ़े थे, गवर्नमेंट का मीनिंग पढ़ा था। और ये नोट्स में आपको लिखने हैं, ये मत सोचें कि हमारे पास बुक है, बुक में सब दिया हुआ है। बच्चों, हम जितना लिखते हैं, हमें एक तो लिखने की प्रैक्टिस होती है, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, हमारी गलतियाँ करेक्ट होती हैं। तो आपको मालूम है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप इन सब के नोट्स बना लेना, और कॉपी में फेयर वर्क करना है, और एवरी स्टूडेंट को करना है। ठीक है, वी विल डू टुमारो जुडिशियरी। जुडिशियरी इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।